नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मर में। आज हम आम की डबल ग्राफ्टिंग किस प्रकार से करनी है ये देखेंगे। इसके लिए हमने ये देसी आम की गुठलियाँ हल्के मिट्टी में दबाकर उगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं पीछे। इसकी जगह पर आप पॉलीथीन बैग में भी गुठलियाँ डालकर उगा सकते हैं और बाद में इसे निकाल कर इसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें जो सिकेडर और कटर इस्तेमाल करते हैं उसे अच्छे से स्टराइल करके ही इस्तेमाल करना है। उसके बारे में वो जो प्रोसीजर है वो मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आप घर में जो शक्कर की जो थैली आती है, किराना सामान लाते हैं आप जब, उसे भी कट करके इसे ग्राफ्टिंग टेप के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी प्लास्टिक स्ट्रेचेबल होना चाहिए। और आपके पास अगर सिकेटर नहीं है, ये कटर नहीं है, तो इसकी जगह पे आप जो 1-1.5 रुपए की जो ब्लेड आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें डबल ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। ग्राफ्टिंग के लिए ज़्यादातर देसी आम की गुठलियों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रोगों से बढ़ने की ताकत रहती है ये ज़्यादा रहती है। उस वजह से अभी ये डबल ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी कट करते हुए वक्त इसकी पोजीशन मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे टाइटली बांध देंगे इस प्रकार से। ताकि हमें प्लांटेशन करते वक्त भी इससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इस प्रकार से। और हमारी कटिंग अच्छे से मैच हो, इस प्रकार से। अब हम इसे ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ के थोड़ा यहाँ से इस प्रकार कट कर देना है, इस प्रकार से। इसका ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ने से हमें, समझो हमारी ग्राफ्टिंग विफल भी हो जाती है तो हमें नीचे से और थोड़ी जगह मिल जाती है, वो भी अगर विफल हो जाएगी तो यहाँ से नया फुटाव आता है। सिर्फ उसमें ग्रोथ होने में और ये स्टेज आने में 1-1.5 महीना लग जाता है, इसलिए हम थोड़ा ये डबल ग्राफ्टिंग में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ेंगे। अभी हमें इसे इस प्रकार से जुड़ा के सेंटर में से कट लेना है। और हेल्दी पौधे की हमें सायन का सिलेक्शन करना है। सायन सिलेक्शन पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कट बिल्कुल फिक्स अच्छे से बैठना चाहिए, उस हिसाब से कट करना है धीरे धीरे। अभी हम सायन इसमें इस प्रकार से फिक्स कर देंगे। एक साइड इस प्रकार से छाल मैच होनी चाहिए तभी हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस होगी। इसमें कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ प्रैक्टिस होने तक ही थोड़ा समय जाता है। अभी इसे टेप से अच्छे से कसकर पैक करना है ताकि इसके अंदर हवा और पानी नहीं जाना चाहिए। हवा पानी जाने से फंगस का डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार से अभी इसे प्लास्टिक से कवर कर लेना है। डबल ग्राफ्टिंग का फ़ायदा ये है कि इसमें हम दो गुठलियों का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की वृद्धि जल्दी से होती है, क्योंकि इसे जो खाना मुहैया करने वाली
जड़ें दो रहती है, इस वजह से पौधा अच्छा ग्रो करता है जल्दी से। अभी इसे इस प्रकार से पैक कर देना है। अब हम इसे पॉली बैग में ट्रांसप्लांट कर देंगे और इसे 25 से 30 दिनों बाद अच्छा फुटाव आएगा। लगभग 1.5 महीने के बाद हम इसकी पॉली बैग निकाल देंगे। जब तक पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है और इसे बाद में ट्रांसप्लांट कर देंगे ज़मीन के अंदर। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।